मैं इंटरवीन कर रहा था और वहाँ पे मुझे 5-6 लाठी माथे पे पड़ी है। हिंदूराव हॉस्पिटल में भी धमकी दिए हैं। मामला ये है कि कल एक कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन करके एक मंच है 36 संगठनों का दिल्ली के अंदर, उस वो जसडीएन साई बाबा की रिहाई को लेके 5 तारीख को HK सुरजीत भवन में 2 बजे से प्रोग्राम कर रहा है, जहाँ पे वो डिमांड करेगा उनके रिलीज के लिए। कल यहाँ पे बहुत सारे संगठन जो कि उस कैंपेन का पार्ट हैं वो यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। मैं एक लॉयर हूँ, मैं अपने लॉयर संगठन की तरफ से यहाँ पे कैंपेन कर रहा था छात्रों के साथ में। यहीं पे पटेल जेस पे जस्ट थाने के सामने ही हम लोग चाय पी रहे थे, जब हमको लगभग 40 से 50 गुंडों के बीच में अचानक आए और उन्होंने वो पर्चा जो उनको दिया गया, हम तो सभी छात्रों को पर्चा बांट रहे थे, तो उनको भी पर्चा किसी ने पकड़ाया तो उन्होंने फाड़ा और गाली दी और बोला कि ये तो देशद्रोही हैं। और फिर उसके बाद वो निकल गया, तो हम लोग चाय वगैरह पीने लगे। उसके बाद अचानक लगभग 30 से 40 गुंडे यहाँ पे आते हैं और वो छेड़ना शुरू करते हैं, पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी जगह कर झड़प हो। उस दौरान झड़प के फिर हम लोग यहाँ से निकलने लगे तो उन लोगों ने हम लोग को दौड़ा के लगभग पटेल चेस के रेड लाइट के पास में वहाँ पे हम पे हमला किया। हमला करने के दौरान उन लोगों ने हम पे लाठी डंडे पत्थरों से मारा, जिसकी वजह से मेरे कान में 3 कट भी आया है। उसके अलावा एक छात्र है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बादल, उसके माथे पे 2 टाके लगे हैं। उसके अलावा एक और छात्र है, शायद उनका नाम अक्ष है या रहान अक्ष है, वो उनके माथे पे चोट लगी है, इस पे चेहरे पे ब्रूजेज आए हैं और भी कई सारे लोगों को चोट लगी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से हिंदूराव हॉस्पिटल गए जहाँ पे हमारा MLR हुआ है, लेकिन क्योंकि जब भी सर पे चोट लगने का हमला होता है इस तरीके का तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए, लेकिन मुझे अभी FIR की कॉपी मिली है, मैं FIR की कॉपी आपको दिखा देता हूँ। उस FIR की कॉपी में इन लोग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 323 और 506 और इसके अलावा 341 का मुकदमा लगाया गया है, कॉमन इंटेंशन लगाया गया है, बल्कि यहाँ पे 307 लगना चाहिए और इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मैं ये अपील भी करना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस प्रशासन को कि वो सही कदम लें, क्योंकि ये गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी। यहाँ के छात्रों का बताना है, और जैसे पुराने इससे हम भी पहचान किए हैं कुछ लोगों का, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं जिन्होंने हमला किया है और बहुत सारे उसमें से पहचाने भी गए हैं, मैंने भी एक पहचाना है जिसका नाम रोहित शर्मा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे छात्रों ने वहाँ पे जो कंप्लेंट दी है, अपनी स्टेटमेंट दिया है, उसमें नाम लिखवाया है। मतलब वो उनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी नफरत भरी गई है, पता नहीं क्यों इतना उनके अंदर छात्र होने के बाद भी ऐसी चीज़ें ऐसे कैंपेन की मान लेते हैं कि कोई अगर सवाल उठा रहा है तो वो देशद्रोही है। तो उनका मानना है कि साई बाबा देशद्रोही है और उनके खिलाफ उनके लिए बात करना देशद्रोह का मामला है, तो इसलिए उन्होंने हम पे हमला किया। वो हमको गाली दे रहे थे, हमको देशद्रोही बोल रहे थे और हम पे हमला। हम लोग कैंपेन कर रहे थे ना, पर्चा बांट रहे थे साई बाबा को लेकर, वो 5 तारीख वाले प्रोग्राम के लिए हम लोग पर्चा बांट रहे थे ताकि उनके केस के बारे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और तमाम रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने भी उस जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को, उसको कंडेम किया है, तो हमने उसी समझदारी को कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन जो कि 36 संगठनों का एक मंच है उसने उसमें पर्चा लिखा था और प्रोग्राम का डिटेल दिया था, उसी के बारे में कैंपेन हो रहा है। बहुत सारे मतलब अभी रिसेंटली बहुत बड़े दलित इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े छूटे, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि मतलब कोर्ट ने ये बोला कि उनके खिलाफ जो मामला है वो बनता नहीं है, मतलब उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, तो उनको मेरिट के बेस पे बेल मिली है। ऐसे ही भीमा कोरेगांव में बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे राइटर जेल में हैं। उसके अलावा भीमा कोरेगांव में जो असली में उपद्रवी थे, जिन्होंने वहाँ पे माहौल ख़राब किया था, संभाजी भिड़े हो गया, इन लोग के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो ये हम पूरा ट्रेंड देखते आ रहे हैं जहाँ पे जो लोग हक की आवाज़ उठा रहे हैं उन पे हमला होता है और उन्हीं के ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं कि ये लोग उपद्रव करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे
जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा है। इसमें इन सारे कानून, यूपीए ऐसे कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है गुंडा ताकतों का इस्तेमाल करके और कानून का गलत तरीके से, कानून का गलत सही तरीके से इस्तेमाल करके। आपको चोट आई है? हाँ, मेरे कान में 2-3 कट आए हैं। लकीली इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई, वरना मेरा हियरिंग का प्रॉब्लम हो सकता था। मुझे कई बार कुछ स्टूडेंट्स को बचाने के चक्कर में मैं इंटरवीन कर रहा था और वहाँ पे मुझे 5-6 लाठी माथे पे पड़ी है। उसमें 3-4 लोगों को तो पहचाना है, मैंने रोहित शर्मा को पहचाना है और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से पहचाना है लोगों को, 4-5 लोग शायद आइडेंटिफाइड भी हैं। तो हमको ये पूरा विश्वास है कि ये ABVP के लोग हैं और ये लोग खुलेआम पुलिस के सामने हिंदूराव हॉस्पिटल में भी धमकी दिए हैं कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे, आपको बचाना है, बचा पाएंगे तो बचा लीजिए। देखिए, फासीवाद जब बढ़ता है तो इस तरीके की चीज़ें बढ़ती हैं जो विरोध सत्ता पक्ष के विरोध में है, ठीक है। मतलब मैं आजम खां का कोई समर्थक नहीं हूँ, के ऊपर हमला हो रहा है। ये हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई वो नहीं चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई बोले, ठीक है। तो जो सत्ता पक्ष में है वो जो भी बोल रहा है वो सही किया जा रहा है और जो सत्ता पक्ष के विरोध से बोल रहा है, जो सच्चाई बोल रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे भी बनाए जा रहे हैं। मतलब सामने से देखने वाली चीज़ है कि एक तरफ इतनी ज़्यादा खुलेआम बर्बरता की बातें की जाती हैं, लोगों को मारने की, रेप करने की बातें की जाती हैं, वहाँ पे हमारा कानून व्यवस्था एकदम मौन रहता है। हाँ, ये बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है और ये संवैधानिक तौर पे बहुत गलत है। संविधान भी बोलता है कि सबको बराबरी का अधिकार है, तो ये मतलब पूरी तरीके से लोगों के संवैधानिक और उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन किया जा रहा है, बहुत तरीके से भेदभाव किया।